नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडियन एग्रीकल्चर के नए ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग है बुआई का, बोवनी का, वावनी का। हमारे गुजरात में यहाँ वावनी बोलते हैं। अभी बोवनी का टाइम चालू है। मेरे पीछे जो कल्टीवेटर खड़ा है और ट्रैक्टर खड़ा है वो बुआई कर रहा है ज्वार की। आज तारीख है 5 जुलाई। तो अभी ये मानसून का टाइम है, शुरुआत है मानसून की, और मानसून भी बहुत बढ़िया रहा है। तो अभी हम दिन रात बुआई कर रहे हैं। तो ये मेरे पीछे ट्रैक्टर खड़ा है, वो बुआई के लिए खड़ा है, और इसमें हमने ऑटोमेटिक सीड ड्रिल लगाया है। वो ऐसा सीड ड्रिल है कि जितना ट्रैक्टर चलेगा उतनी क्वांटिटी में जो जुआर के दाने हैं वो गिरेंगे, तो एक परफेक्ट बोनी होगी। उसके लिए हमने ऑटोमेटिक लगाया है। कई लोग अभी इसको मैनुअल भी डालते हैं, पर इसमें क्या रहता है कि जो दाने हैं वो कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो इसको वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने ऑटोमेटिक सीड ड्रिल लगाया है, और हम इसको 18 इंच की लेंथ पे लगा रहा है। कभी कोई 9 इंच की लेंथ पे लगा रहा होता है, कोई 30 इंच की लेंथ पे लगा रहता होता है। हम इसको 18 इंच की लेंथ पे लगा रहे हैं। तो मैं दिखाता हूँ कैसे बुआई होती है और कैसा इसका परफॉर्मेंस है और कितने टाइम में कितनी बुआई हो जाती है, वो मैं सब आपको। यह ट्रैक्टर है सॉरी 50 हॉर्स पावर 15 गियर वाला ट्रैक्टर है। 50-15 इसको ऐसे 50-15 बोल रहा है बोलते हैं, और इसको हम जनरली ड्रिलिंग पे चलाते हैं। तो अभी ड्रिल का काम चल रहा है बहुत बढ़िया सा, अभी बुआई हो रही है। बोनी पे चलाते हैं इसको, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। हाइड्रोलिक बहुत बढ़िया है और गियर स्पीड जो चलाने में बहुत आसान है। तो इसको हम मेनली ड्रिलिंग पे और बोनी पे और खेत के अंदर जुताई करने के लिए चलाते हैं इसको। कल्टीवेटर है 9 टाइम्स का, हालांकि इसमें लगते हैं 11 टाइम्स, पर इसमें अभी बोने के लिए 9 टाइम्स लगाए हैं। और इसमें ऐसा सीड ड्रिल लगाया है, और ये हमारा गुजरात का मेड है, भवानी का। और ऊपर जो सीड ड्रिल है वो भूमि का है, वो राजकोट मेड है। तो ऐसा हमने ड्रिलिंग के लिए सिस्टम बनाया है, अपना ही सिस्टम है ये। और इसमें ऐसे आगे और 5 पीछे, टोटल 10 टाइम्स में आप बुआई कर सकते हैं, इतना फीचर्स है इसमें। और ऐसे गियर्स और चक्कर्स आते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे दाने भर के फिर यहाँ होल होएगा, होल में छोड़ देगा, तो वहाँ पाइप से होके फिर यहाँ दाना अपनी लेन पे आ जाएगा। और ऐसे 5 जगह देख, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों जगह में दाने एक साथ और एक सरखी मात्रा में गिरेंगे। तो ऐसे इसमें वाला सिस्टम हमने डेवलप किया है अभी हमारे के लिए, तो बहुत बढ़िया सा परफॉर्मेंस है इसका। और मैं इसको ट्रैक्टर चालू करके भी आपको दिखाता हूँ वो कैसे इसका परफॉर्मेंस आता है। हम इसको 20 केजी पर बीघे में डाल रहे हैं, एकड़ में हम 50 केजी डाल रहे हैं। और आपके वहाँ आप कितने केजी डालते हो जुआर, वो आप मेरे को कमेंट जरूर कीजिएगा इस ब्लॉग पे। अभी ये खेत पूरा हमने प्लाव करके फिर छोड़ दिया हुआ खेत है। तो अभी बारिश हुई है तो मिट्टी एकदम भिगो गई है, तो फिर ऐसे इसमें नमी है, तो सारे जो प्लाव के बड़े बड़े डफे हैं वो टूट रहे हैं, और बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आ रहा है। और ये ट्रैक्टर चल रहा है वोल्टेक 75, जो मेरा 75 हॉर्स पावर ट्रैक्टर है, और इसमें भी हमने बढ़िया वाला कल्टीवेटर लगाया है इसके लिए, और पीछे समार लगा दिया है। इसको हम गुजरात में समार बोलते हैं, ये पीछे वाला जो पीछे खींच रहा है उसको समार बोलते हैं। आपके वहाँ ऐसा करते हैं और करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, वो मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा। यह ट्रैक्टर है सोनालिका 75, वोल्टेक 75, जो करारोगिर वाला है वो ट्रैक्टर है। और अभी बुआई का टाइम चालू है बहुत बढ़िया सा, ज़मीन में भी नमी बहुत बढ़िया है, बुआई भी बहुत अच्छी हो रही है, चल रहा है अभी काम। मैं जो भी है वो अपडेट करता रहूँगा आपको।